हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत धारा वाले पार्ट में अपवहन वेग। तो टॉपिक पर मेनली फोकस रहेगा हमारा, ठीक है, चैप्टर बदलते रहते हैं। अपवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी हम इसे कह देते हैं दोस्तों, या कई किताबों में इसे हम घसीट वेग भी कह देते हैं। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इंग्लिश में हम इसे क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो दोस्तों, इसके जो टॉपिक है, इस टॉपिक को करने से पहले इसके पीछे कुछ थोड़ी सी कहानी सी है। वो कहानी हम शुरू में न चर्चा करके लास्ट में एक छोटी सी समरी के रूप में बनाएंगे। वो समरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में होगी, न कि आपके इस टॉपिक के बीच में। क्योंकि हम दोस्तों वो शुरू में जब बताने लगेंगे इस टॉपिक के बारे में कि शुरू में ऐसे होता है फिर ऐसे होता है, तो वो टॉपिक भी लंबा हो जाता है एक बात, दूसरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका कोई महत्व नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, हम केवल जो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें उसके आधार पर नोट्स आपको अच्छे से अच्छे लेवल के बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों ही प्रकार के जो बच्चे हैं उनको भी फोकस में रख के ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। और कुछ इम्पोर्टेंट्स जो पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके कंपटीशन पर्पज़ से नहीं, जो इसके अंदर लगते हैं आपको, जिससे टॉपिक में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो हम बताते रहेंगे। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, फिर हम लास्ट में टॉपिक में इसमें समराइज्ड रूप में कुछ इम्पोर्टेंट से पॉइंट होंगे वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, अनुगमन वेग या अपवाह वेग से क्या मतलब है कि शुरू में हमने इस तरह से एक कोई ना कोई मेटल ले लिया, कोई चालक पदार्थ ले लिया, ठीक है, चालक पदार्थ, अचालक पदार्थ, कुचालक पदार्थ या अर्धचालक पदार्थ, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये आप जानते हो। तो मेनली इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन, हम एक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। उस कंडक्टर में जब हम दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि बैटरी से जब इसको कंडक्टर को हम नहीं कनेक्ट करते हैं, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो लाइक दिस कुछ इस तरह से होता है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो मूव है वो दोस्तों कैसा हो गया, जिग जैग, यानी अपनी मर्जी के अनुसार इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं। या बहुत सी जो नई वाली जो बुक है इसमें लाइक दिस इस तरह से उनका कोई दोस्तों एक फिक्स और फाइनाइट जो पाथ है वो नहीं होता है। उनकी जो गति है वो कैसी होती है, अनियमित गति होती है। तो इन सारों के आधार पर यदि हम इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग लेते हैं, ऊष्मीय से मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और मिल गया, उससे कोलाइड कर गया, टकरा गया, तो औसत ऊष्मीय वेग जो है वी एवरेज, वो आपके दोस्तों क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, जिसके कारण हमें जो वेलोसिटी है उसकी कोई वैल्यू नहीं मिलती है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की जब अनुपस्थिति होती है, जब हम विद्युत क्षेत्र प्रवाहित नहीं करते हैं, जब हम किसी भी प्लेट को, चालक प्लेट को बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, तो जो विद्युत क्षेत्र का मान है, ठीक है, उसकी विद्युत क्षेत्र का मान तो शून्य होता ही है, साथ ही साथ विद्युत जो ये वेग है, औसत वेग का मान, औसत ऊष्मीय वेग का मान भी ज़ीरो होता है, ठीक है, ये दोस्तों हम समझते हैं। फिर उसके बाद में जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉनों को, लाइक दिस, जैसे बैटरी या बाह्य विद्युत क्षेत्र हम लगा देते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, और कोलाइड करके उस पर जो एक एक्स्ट्रा जो फोर्स जल लग रहा है बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण, जो एक्स्ट्रा विद्युत बल लग रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉनों का एक निश्चित दिशा में, ठीक है, टकरा टकरा के, और वह एक जो औसत वेग आता है उसे ही हम कह देते हैं अपवहन वेग। ये हम नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम ये इस तरह से डायग्राम बना लेंगे। तो दोस्तों, यही इसकी डेफिनेशन है कि हम जो एक्स्ट्रा जो फोर्स लगाएंगे इसके अंदर, किसके कारण, बैटरी के कारण जो विभवांतर उत्पन्न करेंगे, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉनों का टकराने के कारण भी टकराएंगे, फिर उनका जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, फिर टकराएंगे, फिर जीरो हो जाएगी, इस तरह से चलते रहेंगे। और जो बाह्य जो अतिरिक्त ऊर्जा के कारण जो कंपनिक ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है, और वो कंपनी ऊर्जा का परित्याग करके वो इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं।
तो यहाँ हम इसी के बारे में ही कुछ बात करेंगे और इसका मैथमेटिकल हम प्रूव करेंगे। इसमें जो वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है, लेकिन एक्सीलरेशन है यानी त्वरण जो है वो दोस्तों कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो टकराते हैं उनको हम एक नया नाम कह देते हैं, जिसे हम क्या कह देंगे, विश्रांति काल कह देते हैं। वो विश्रांति काल हम मैक्सिमम टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा समय का लेते हैं, लगभग 10^-14 सेकेंड कुछ का होता है। तो इसकी एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक दिशा में, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराए रैंडमली, यादृच्छिक मतलब रैंडमली, टकरा भी सकता है और नहीं भी टकरा सकता है। तो ऊष्मीय यादृच्छिक दिशा में गति तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में उत्पन्न अपवहन वेग, अपवहन गति के वेगों के कौन से मान को दोस्तों, औसत मान को अपवहन वेग कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक टक्कर के कारण जो औसत ऊष्मीय वेग है उसे हम कह देते हैं अपवहन वेग या अनुगमन वेग कहते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ है कि इलेक्ट्रॉनों की ऊष्मीय यादृच्छिक दिशा में और गति हो रही है और उसको हम अपवहन गति कह देंगे। अपवहन मतलब अपने अनुसार, ऑल ऑफ यू लाइक एज ए फ्लो। तो अपवहन गति के कारण जो औसत वेग है, ठीक है, औसत मान या औसत, उसको हम कह देते हैं। और किसके प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में या बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, ठीक है दोस्तों। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इज सुप्रीम पोज्ड ऑन देयर रैंडम मोशन, यानी जब उनके ऊपर हम सुप्रीम पोज्ड आरोपित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाते हैं, तो रैंडम मोशन होता है। रैंडम यानी कि इधर चल पड़ा, इधर चल पड़ा, इधर चल पड़ा, इधर चल पड़ा, सीधा चल पड़ा, जैसा भी जो भी है, रैंडम मोशन टू प्रोवाइड एन एवरेज वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है दोस्तों, एवरेज वेलोसिटी। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड वो क्या कहलाएगा दोस्तों, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रॉन मूव देन दे आर रैंडम कोलाइड, ठीक है। सो जो रैंडम कोलाइड है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, सो द एवरेज रैंडम, ठीक है, जो हीटिंग वेलोसिटी है, एवरेज हीटिंग वेलोसिटी, उसे हम कह देते हैं कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कब है, कैसे है, क्लियर हो गई होगी कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें हम दोस्तों न्यूटन के गति के एक तो दूसरा नियम और एक जो गति का समीकरण है पहला, उसको हम यूज में लेते हैं। तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से हम दोस्तों देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का त्वरण। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ये आ जाएगा दोस्तों E=-EE अपॉन m। क्या आ गया दोस्तों, a ले लीजिए या a वेक्टर ले लीजिए, a वेक्टर इक्वल्स टू ई, ई स्मॉल है 1.6×10⁻¹⁹, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं और ई इलेक्ट्रिक फील्ड और एम मास है। तो ये दोस्तों आया कैसे, इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ दो फोर्स ले रहे हैं, एक तो एफ इक्वल्स टू एम ए, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स आप जानते हो, एम मास का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ए एक्सीलरेटेड है, और एक साथ ही साथ होता है दोस्तों एफ इक्वल्स टू क्यू ई, और क्यू इक्वल्स टू आप जानते हो दोस्तों प्लस माइनस एन ई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम माइनस ले लेते हैं और प्रोटॉन के लिए प्लस ले लेते हैं। तो n इक्वल्स टू 1 हो गया, तो दोस्तों q इक्वल्स टू हो गया माइनस ई, q इक्वल्स टू दोस्तों क्या हो गया, माइनस ई। तो दोस्तों ये आ जाएगा m a इक्वल्स टू माइनस ई ई अपॉन, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, यहाँ रख लेंगे, और a इक्वल्स टू हो गया माइनस ई ई बाई एम, ये आ जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू यहाँ हमने रखी है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो हमने दो फोर्स हैं, ठीक है, और उन दोनों फोर्स को, एक इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक आपके ए एक्सीलरेशन के कारण जो फोर्स होता है वो हमने ले लेते हैं, तो काइनेटिक फोर्स भी हम इसे कह सकते हैं, वो हो जाता है।
क्लियर समझने के लिए आप यहाँ लिख सकते हो। फिर उसके बाद में दोस्तों क्या है कि इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग यानी u भी आप लेते हो, u इक्वल्स टू वी नॉट भी ले सकते हो या v भी कह सकते हो, तथा टक्कर से पहले जब आपके पास t समय है उस समय यदि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लें, ताक्षणिक वेग लेते हैं, तो आपके उस स्थिति में क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा दोस्तों, लेट्स द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल्स टू यू नॉट एंड बिफोर द कोलिजन, एक इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरे इलेक्ट्रॉन से यूं कोलाइड कर रहा है, तो यहां से यहां तक जो इसको टी समय लगा या आफ्टर द कोलिजन, और जब नए कोलिजन करता है उसमें जो उसको समय लगा, ठीक है, वो समय के लिए हम यहां चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों v इक्वल्स टू होता है u प्लस ए टी, जानते हो दोस्तों, क्लियर है। तो दोस्तों v तो v हो गया और u को हम ले लेते हैं v नॉट, और a की वैल्यू इक्वेशंस के क्लियर करना चाहो तो ये इक्वेशन टू हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा v इक्वल्स टू v नॉट माइनस e अपॉन m इनटू में हो गया दोस्तों t, इनटू में हो गया t, यहाँ इक्वेशन वन की वैल्यू टू में रखने पर, और इसको यदि आप यूँ इस तरह से लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो वेक्टर फॉर्म में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें कह क्या रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट सी और सिंपल सी लाइन है कि इलेक्ट्रॉन का जो टक्कर है, टक्कर के पश्चात का वेग और इसके पूर्ववर्त वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन दोस्तों इस इलेक्ट्रॉन से यूं टकराया, टकराने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी इनकी जो शुरू में वेलोसिटी थी और बाद में जो वेलोसिटी है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है। एक बात, यहाँ से जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव कर रहा है तो ये जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो यहाँ तो जीरो हमने ली थी, यहाँ टकराने के बाद फिर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर से आगे टकराएगा तो फिर से इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती जाएगी, तो और जो वेलोसिटी होती जा रही है कुछ थोड़ी बहुत जिगजैग मोशन तो हम नहीं कह सकते इसमें, क्योंकि एक एक्सटर्नल फोर्स आपके ऊपर यानी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो प्रोड्यूस है, उसके कारण कहीं ना कहीं उनकी एक, आपने पीछे भी क्लियर किया था, एक फाइनाइट डायरेक्शन में इनका मूवमेंट होता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन के टक्कर के पश्चात जो वेग है वो और पूर्ववत वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि प्रारंभिक वेग यादृच्छिक दिशाओं में होने के कारण, ठीक है, रैंडम दिशाओं में होने के कारण वेग परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पर निर्भर करता है, तो औसत जो मान है वो आपके शून्य हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं दोस्तों, औसत लेते हैं, तो औसत के रूप में हम क्या ले लेंगे दोस्तों, इसके लिए आप क्या देख रहे हो, इसका हम औसत ले लेते हैं, ये हो गया द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन इज बी इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी बिफोर द कोलिजन, क्लियर, बिफोर द कोलिजन, बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी बिकम जीरो ड्यू टू द रैंडम डायरेक्शन, ड्यू टू द रैंडम डायरेक्शन, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके क्या आ जाएगा, आप बता सकते हो, इसमें देख सकते हो, तो ये हो गया दोस्तों v, ये हो गया u, ये दोस्तों एवरेज का सिंबल है, ठीक है, औसत ले रहे हैं, और माइनस e, और e तो दोस्तों सेम ही है, t चेंज होता रहता है, और अपॉन में है दोस्तों m, ठीक है, अपॉन में है m। तो हम क्या करेंगे, जहाँ ये जो दोस्तों v नॉट है एवरेज, ये ज़ीरो हो जाता है, और ये v लिख ही रखा है, इसको भी हम लिख लेते हैं, चलो ये v है, इसको हम कह देते हैं दोस्तों v t, इसको हम क्या कह देंगे, v d कह देंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों। और ये जो है t, इसको हम कह देते हैं tau, tau ये क्या है दोस्तों, ये है विश्रांति काल, ये क्या है दोस्तों, विश्रांति काल, विश्रांति काल, रिलैक्सेशन टाइम, क्या है दोस्तों, रिलैक्सेशन टाइम,
रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, दो कर्मागद इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के मध्य लगा औसत समय। कौन सा समय हो जाता है दोस्तों, औसत समय। ठीक है, द एवरेज टाइम, द एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो दोस्तों ये सारी की सारी बातें इसी के लिए है, ये आपके कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम, दो कर्मागत इलेक्ट्रॉनों की टक्करों के मध्य लगा औसत समय। ये मैक्सिमम लेते हैं, ऑलमोस्ट 10^-14 सेकंड का होता है। ये जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दोस्तों हम आगे लिख लेंगे और आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। तो हाई, हालांकि आपको आंसर आ गया, वी डी इक्वल्स टू यही बच जाएगा, -EE टो अपॉन एम। ठीक है दोस्तों, तो आप ये पॉज करके लिखिए। हाँ तो दोस्तों ये आपके आ जाती है, आपको क्लियर है, वी डी इक्वल्स टू 0-EE, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं और ये बन जाता है दोस्तों टो बाई एम। ठीक है, वैल्यू हमने रख दी, तो ये आ जाएगा दोस्तों वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी -EE टो बाई एम, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। ये तो है सदिश रूप में, सदिश रूप में, और यदि हम इसका परिमाण ले लेते हैं दोस्तों परिमाण, तब ये आ जाएगा दोस्तों वी डी इक्वल्स टू ई टो बाई एम। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये मेनली टो पे डिपेंड करती है, और ये जो टो है, टो की बात करें, टो जो है दोस्तों टो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर। टो डिपेंड यानी रिलैक्सेशन टाइम द डिपेंड ऑफ नेचर ऑफ देयर मटेरियल, किस पर निर्भर करता है दोस्तों, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्लियर दोस्तों, इस पर निर्भर करता है। दूसरी बात दोस्तों, हिंदी में इंग्लिश में आप एक में लिख देता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों की कौन सी गति होती है दोस्तों, जिगजैग गति होती है। इलेक्ट्रॉनों की कौन सी गति होगी दोस्तों, जिगजैग मोशन होती है, जिगजैग गति, और औसत ऊष्मीय वेग, औसत ऊष्मीय वेग वी एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम जिगजैग एंड एवरेज थर्मल वेलोसिटी बिकम जीरो। इसमें दोस्तों अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम बना देते हैं लाइक दिस। ये दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, या इसको हम दोस्तों या और इसको कई बुक में, जैसे ये नई वाली बुक है इसमें दोस्तों यूं भी है, यूं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है। तो दोस्तों इस तरह से जिगजैग मोशन होगी।
फिर दोस्तों इसमें जो टाउ की वैल्यू है वो हम लगभग 10^-14 सेकंड लेते हैं, जो ऊष्मीय वेग है, थर्मल वेलोसिटी है वो होती है दोस्तों 10^5 मीटर पर सेकंड, और जो वीडी है यानी आपके अपवहन वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो दोस्तों होती है 10^-4 भी लिख देते हैं या 10^-5 मीटर पर सेकंड भी लिख देते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों जो एक्सीलरेशन है त्वरण वो तो दोस्तों कांस्टेंट रहता है, ठीक है, और जो वेग है वेलोसिटी है, वेलोसिटी है वो दोस्तों चेंज होती रहती है, वो दोस्तों बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखते रहें आप, मैं देख लेता हूँ आपको क्लियर ही दिखाई दे रहा है क्या। ये आपके होती रहती हैं। ठीक इसी प्रकार दोस्तों जो ये तो होता रहेगा, इसी प्रकार जो बाह्य ऊर्जा है, बाह्य ऊर्जा, जो बाह्य ऊर्जा है, जो कौन सी ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा यानी एक्सटर्नल एनर्जी, यानी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, और वो जब इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉनों के पास जो कंपनिक ऊर्जा थी कौन सी दोस्तों, वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है, उसको वो क्या कर देंगे दोस्तों, परित्याग करके यानी इसको ये क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन क्या करने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, ठीक है, कंपनी ऊर्जा आपने जो आप हाँ, तो दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन का जो वेग है ये यादृच्छिक होने लग जाता है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों, जो एक्सटर्नल एनर्जी है, जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, ड्यू टू द एक्सटर्नल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, द इलेक्ट्रॉन एबेंडन यानी परित्याग कर देते हैं, एबेंडन द वाइब्रेशनल एनर्जी एंड मोशन देयर रैंडमली ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो है वो यादृच्छिक। तो ये इस तरह से कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे जो आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर करने में, समझाने में आपको ये बताए गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।